समझ चुके होंगे आप लोग। तो मतलब कुछ भी हमारे यहाँ सब चीज मेंटेन सब रेडी था, लेकिन जो गैस लेडीज को फिर उन्होंने कहा ये सब होता है। मुझे बहुत बुरा था लगा उस समय। वैसे ये मतलब होना चाहिए कि ना हम खाते हैं ना खिलाते हैं, सीधी बात। मैं तो कहीं भी सर अगर मतलब मुझसे सीनियर सर भी थे सर, तो मैंने कहा कि अगर मैं होती तो मैं तेरे को ना कर देती हूँ। बोले वो करते हैं वो बेचे जाए। हाँ
कासिम छोटा का अच्छा स्पर्श तो आप एक नंबर चाहिए आप उनका सा प्रेरी बैंक और बाद 6 नंबर 7 नंबर उत्तर
मंचूरियन हवाना वेरी फोन कर लिया था अच्छा आपको तो फिर नोट ही करना था ये तो आपको बना हुआ होगा ये टुंड्रा हाँ ये टुंड्रा बाकी रह गया ये ग्रीन लैंड है ग्रीन लैंड में भी जो बनस्पति पाई जाती है उसे एक नंबर तो एक नंबर में क्या है टुंड्रा वनस्पति यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। दो नंबर आपका प्रेरी है प्रेरी घास के मैदान है और तीन नंबर लानोस है ये यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में दो है एक टुंड्रा और दूसरा है प्रेरीज और दक्षिण अमेरिका में लानोस और ये आपका कैंपोस सेल्वास और पुस्तास चार चार तो यहाँ है दक्षिण अमेरिका में एशिया में स्टेपी मिलेगा आपको। नौ नंबर आपका मंचूरियन ग्रासलैंड है। 10 ये हंगरी है हंगरी में आपको हंगरी में आपको जो है पुस्ताद मिलेगा यहाँ हंगरी लिपि भी जगह ठीक है एक ही जगह मिलती है वो बाकी पश्चिमी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में आपको ये समाना मिलेगी और वेल्ट दक्षिण अफ्रीका इसको बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया ये आपका 12 नंबर यहाँ है डाउन ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन मिलेगी। अब देखिए वो कलाकारी क्या करते हैं जब क्वेश्चन जो है बनाते हैं क्वेश्चन बनाने में कलाकारी ये करते हैं कि जैसे कुछ हवाओं के नाम होते हैं हवाओं के नाम होते हैं तो उन हवाओं के नाम में इन नामों को मिक्स कर देते हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं याद है तो आप सोचेंगे ये भी हवा का ही नाम है। हवाओं के नाम में कुछ स्थानीय हवाएं होती हैं जैसे फॉन चिनू फॉन रॉकी पर्वत पर चलती है फॉन चिनू और हमसिन ये सब हवाओं के नाम है तो स्थानीय हवाएं हैं स्थानीय पवने हैं जो कुछ टाइम के लिए चलती हैं। तो हमसिन जो है यहाँ पे चलती है दिल्ली से चलती है एड्रियाटिक सी से यहाँ पे आपका ऐसे निकला सवाल मिलेगा आपको तो ये आपका जो है इटली है यहाँ से चलती है और इधर की तरफ ठीक है। तो वो क्या करती है वहां जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है अफ्रीका में तो वहां के गर्मी के मौसम में समुद्र से ले आकर के हवा वहां लेके आती है तो हवा समुद्री हवा में थोड़े पानी भी होता है तो गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक मिलती है और राहत मिलती है तो इसलिए उसका नाम डॉक्टर बॉन भी कहा जाता है। तो खमसिन कौन चिनू बोरा और हबूब सिमूब ये सारी हवाएं हैं उनमें आपको ये नाम मिक्स करते हैं कौन सा नाम जैसे डाउन मिक्स करती है खाना तो कभी जाना जाता है समझ बहुत कम कैम्पोस कम्पास यकुस्तास इन सब नामों को मिक्स कर देते हैं। उसमें से पूछते हैं कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है चार सुमेल करके दे दिए आपको
तो आपको लगेगा कि जो है इसकी जगह भी सही देंगे आपको, जैसे पूछताछ है, पूछताछ को हंगरी दे दिए, आप सोचेंगे सही है वो तो सुमेल तो सही होगा, लेकिन जो है वो जो पूछना चाह रहे हैं कौन डिफरेंट है कौन सा, वो नहीं आप बता पाओगे फिर, अगर आपको नाम नहीं याद रहेंगे तो। वो उनकी कलाकारी कभी कभी होती है क्वेश्चन में दोनों को, हवाओं के नाम को, क्योंकि इतना सारा चीज कौन याद रखेगा, इसलिए वो सोचते हैं जो बच्चा थोड़ा अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो वो तो याद ही रखेगा। तो इन सब नामों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने जो है माउंटेन में भी आपको बहुत सारे ऐसे नाम बताए होंगे, जो आपको चिहुआ हुआ का नाम हो गया क्या, चिहुआ हुआ वो नाम हो गया ना, प्लेटू में ही हुआ था, मैक्सिको के पठार पर ही चिहुआ हुआ जगह है जहां चांदी की खुदाई होती है। तो अब देखिए इतना मतलब टफ टफ नाम है, तो सारे नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या करेंगे वही काम किसी का नाम रख दीजिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप अपने जीवन में जानते होंगे, तो किसी का नाम रख दीजिए, उसको उसी नाम से बुलाइए, कुछ दिन में याद हो जाएगा वो आपको। तो ऐसे तरीका है याद करने का, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बायो के जो होंगे वो जानते होंगे, बायो वालों को बहुत सारे नाम और बहुत सारी चीजें रटना ही पड़ता है। अब सोचिए ज्योग्राफी में ही जब इतने नए नए शब्द आपको मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, और उसके अलावा आपको फिर ये आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आपको नए नए नाम मिल रहे होंगे, जैसे मैं एक बता रही थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, क्लोनिंग, और जब जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा और क्लोन में दोनों में अंतर होता है, ये तो आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने। तो ऐसी ही चीजें हैं, बहुत सारे नए नए चीज मिलेंगी आपको, लेकिन दिमाग की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा नई चीजें सीखने का प्रयास करता है और पुरानी चीजें भूलने का प्रयास करता है। ये मैं आपको छोड़ दूँ 6 महीने भूल जाएगा, या 6 महीने नहीं 2 महीने छोड़ दूँ भूल जाएगा आपको। तो मेरी क्लास जब भी लगेगी तो मैं कुछ कुछ बीच बीच में पूछती रहूंगी आपसे, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिएगा, याद करिएगा, याद करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। रटने वाला काम एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, जैसे घास के मैदान है, घास के मैदानों का नाम आप किसी पेज पे लिख लीजिए, या कहीं ऐसी जगह लिख के उसे चिपका लीजिए अपने दीवार पे उसका नाम, फिर पर्वतों के नाम उसकी जगह लोकेशन कहाँ है उसको लिख के चिपका लीजिए दीवार पे, जहां आप पढ़ाई करते हैं, जैसे 2 घंटे 4 घंटे आप घर में भी बैठते होंगे वहां चिपकाइए, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप चिपका लीजिए। तो इतना चीजें जब करेंगे ना तो वो आपको हर समय रटा रहेगा, वो सब चीजें फैक्ट है। ये देखिए ये हमें भी नोट करके नोट कराना पड़ता है आपको, क्योंकि हर समय याद नहीं रहता। हाँ लेकिन देखिए आपको रिवीजन कराई और मेरा भी रिवीजन हो गया, तो मुझे वर्ल्ड के माउंटेन जो है कौन कहाँ है मुझे सारा याद, तो ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। कुछ दिन के लिए आप भूलेंगे, लेकिन जब आपका स्थायी हो जाएगा नॉलेज, भूलेंगे तो जरूर, दिमाग का काम ही है भूलना, अगर वो ना भूले तो इंसान पागल हो जाए। दिन भर में हम कितनी चीजें देखते हैं सोचते हैं, लेकिन देखिए जब भी कंप्यूटर में हम ज्यादा चीजें भरते हैं तो वो हैंग हो जाता है, वैसे हमारा दिमाग भी एक टाइम ऐसा आता जब कहता बस अब कुछ नॉलेज ना लेना है ना, इसीलिए घंटे को कम रखा जाता है पढ़ाई के, कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं 1.5 घंटे रखा गया है, 1.5 घंटे बाद आपका मन बदलने के लिए पानी पीने की छुट्टी दी जाती है। वैसे तो आईएससी कोचिंग में हम लोग 4-4 घंटे भी पढ़ाई लगातार कोचिंग हमारी चली है, 4 घंटे। हाँ थोड़ा थोड़ा सा मतलब पानी वगैरह जैसे अपना लेके बैठो या पी लो इधर उधर, लेकिन ये है ऊब जाते हैं, फिर बोर होने लगते हैं, दिमाग बोर होने लगता है, तो दिमाग में जो है लर्निंग का प्लेटू बन जाता है, जैसे हमने पठार बनाया है ना, तो लर्निंग भी ऐसे ही होती है। जैसे आप शुरू में सीखना शुरू किए तो आप शुरू से बड़ी तेजी से ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तीव्र ढाल बढ़ रहा है, आप तेजी से बढ़ रहे हैं आप आगे की तरफ और तेजी से सीख रहे हैं, लेकिन धीरे 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 कम होता जाएगा, कम होते होते एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर एक सीधी लाइन बन जाएगी, फिर धीरे धीरे फिर कम होगा फिर 0 पे आ जाएगा। जब आपका दिमाग, मैं आपके 0 पे आ जाएगा, 0 से स्टार्ट था, आपका दिमाग इस टाइम बोलता है कि हमें कुछ नहीं सीखना, बस
हमारे मतलब की चीज हो गई है। शाम तक होते होते इंसान ऐसे ही हो जाता है, पूरा थक जाता है, और हमें नींद तभी आती है जब हमारा दिमाग जो है भर जाता है, कहता है कि अब कंप्यूटर में जगह नहीं है। फिर वो रात में क्या कार्य करता है, रात में सारा खाली करता है, जितनी फाइल्स होती हैं सब स्थाई तरीके से लगाता है। इसीलिए तो 8 घंटे की नींद जरूरी है, इसीलिए तो जो लोग कहते हैं हम 4 घंटे सोते हैं, फिर जान लीजिए वो काम बहुत लाइट ही करते हैं। और कम सोने पे आपको फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, आप खड़े रहोगे आपको लगेगा धरती हिल रही है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं इस समय कम सो पा रही हूँ, 5 घंटे 4 घंटे सो पा रही हूँ, फिर प्रॉब्लम हो रही है। कुछ मैं याद करने की कोशिश करती हूँ वो याद नहीं रहता, तो ऐसे ही आपका भी ऐसे ही बन जाएगा दिमाग में। इसे हटाने के लिए क्या होता है, बदला जाता है सब्जेक्ट को, या फिर आपको थोड़ा सुस्ती हवा पानी इधर उधर ये सब होता है। ठीक है, तो इसको लर्न करना ही होगा आपको, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी, कोई चांसेस नहीं है। कह दिया जाए इसमें से 12 में से आप 2 कर लो 4 कर लो, 12 के 12 याद कर लो। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ ब्रश लाइट वाला। अब हम शुरू करेंगे मरुस्थल। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। क्लियर हो गया ना आपका सभी का? हो गया ना, कोई बाकी तो नहीं है, वरना फिर ये बन नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगी। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ट्रॉपिकल एक मरुस्थल का प्रकार होता है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय। अच्छा उष्णकटिबंध क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, कुछ बताइए कोई। पहले तो कौन बताएगा, हाथ उठाइए, बच्चों की तरह पढ़ाएंगे आपको। हाथ उठाइए, कौन कौन बताना चाहता है जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, हाथ उठाइए कोई। एक बस, इसका मतलब एक ही डीएम बनेगी, बाकी सब लोग क्या बनोगे आप? फिर ऑफिस वर्क करना पड़ेगा आपको, सब क्लर्क बन जाओगे। हिम्मत तो हो, हाथ तो उठाओ, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था उष्णकटिबंध, इसके जस्ट पहले जब ग्रास लैंड बता रहे थे तो अब बताया था। बताओ बताओ बताओ, कितना हाँ। बात ये है ना कि ये 10 डिग्री से ऊपर भी जाता है थोड़ा, ठीक है? तो इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में हम कह सकते हैं 15 तक, ठीक है? बैठो, ये आपका इक्वेटर है, तो इसके 15 तक, लगभग 12-15 तक
तो ये जो है हमारा उष्ण कटिबंध होता है पूरा, और इसमें उष्ण मतलब होता है गर्म, यहाँ की जलवायु जो होती है गर्म होती है। कटिबंध का मतलब है बेल्ट। ये कटिबंध जो होता है इसको बेल्ट बोलते हैं। जैसे आप बेल्ट लगाते हो जब पैंट पहनते हो, क्या हो रहे हो? फिर शुरू करें। जो आप बेल्ट पहनते हो, कट कट मतलब होता है कमर, हिंदी में संस्कृत में कट भाग बोला जाता है, कट मतलब होता है कमर। जब आपको पढ़ना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो आपको कथक में और ये ओडिसी में और जो नृत्य हैं त्रिभंग वगैरह, तो त्रिभंग भी पूछा गया। त्रिभंग क्या होता है? त्रिभंग में एक गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी, कमर थोड़ी सी टेढ़ी और पैर टेढ़ा, तीन जगह से भंग, त्रिभंग, तीन जगह से भंग। भंग मतलब टेढ़ा होना, मतलब हमारा सीधी शरीर है, शरीर सीधी है तो उसे हम भंग करते हैं, तो वो भंग का मतलब होता है टेढ़ा होना। तो तीन जगह से जो हमारे शरीर टेढ़ी होती है उसे हम बोलते हैं त्रिभंग। तो कौन से नृत्य में पूछा गया था कि कौन से नृत्य में त्रिभंग की स्तुति बनती है? ठीक है, ये क्वेश्चन। और कटी भाग जो है, कटी भाग उसी में आपको सुनने को मिलेगा हिंदी मीडियम में। कटी कटी मतलब कमर, से इंग्लिश में बोलते हैं। और जो है वो बेल्ट जो लगाते हैं, बेल्ट मतलब होता है एक पेटी, कमरबंद, जैसे कुछ गहने भी होते हैं कमरबंद वाले, वो भी आपको साउथ इंडिया में कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में पता लगेगा कि उसमें कमरबंद पहनते हैं। ठीक है, तो वही कमरबंद और पेटी बेल्ट वही है। सो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया उसे ही डिनोट करता है ये, तो कटिबंध जो है वही होता है। तो वो बताया ना कि पृथ्वी पर ऐसे पट्टी सी चलती है, वो है कटिबंध पूरा, लेकिन वो हवाओं के द्वारा निर्मित होती है और सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्मित होती है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे नहीं रहती है। जैसे अब मैं तो यही नहीं कहूंगी कि सूरज का प्रकाश यहां से जा रहा यहां नहीं आएगा, है ना, सीधे जाएगा, लेकिन थोड़ी गर्मी थोड़ा तो आ ही जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और ये कटिबंध बदलते भी रहते हैं, गर्मी के टाइम में कुछ, ठंडी के टाइम पे कुछ। गर्मी के टाइम में उत्तर शिफ्ट हो जाते हैं, ठंडी के टाइम में दक्षिण शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी सीधे नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, 1.5 डिग्री झुकी हुई है। उसकी वजह से जब पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, तो सूरज का प्रकाश जो पड़ता है वो जो है कभी उसके उत्तरी ध्रुव पर, कभी उसके दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। दक्षिणी ध्रुव पे तब पड़ता है जब पृथ्वी जो है अपना पूरा चक्कर लगा करके आती है सूर्य के समीप, मतलब सूर्य की तरफ उसका दक्षिणी किनारा पड़ जाता है। देखिए ये मैटर को होता है, आपको इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा जानकारी कम है। ये पृथ्वी हमारी है, अब देखिए ये सूरज आपका ये है, ठीक है, ये आपका सूरज है। अब सूर्य की रोशनी जो है जब हमारी पृथ्वी यहाँ है तो उत्तरी ध्रुव पे सीधे पड़ेगी, ठीक है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी। अब जब हमारी पृथ्वी यहाँ है तो थोड़ा तो दक्षिणी ध्रुव पे जाएगी, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव को थोड़ा प्रकाश मिल जाएगा। फिर पृथ्वी यहाँ पे जब आती है तब भी दक्षिणी ध्रुव को प्रकाश मिल रहा है, तो यहाँ और यहाँ ऐसी स्थिति बनेगी जब पृथ्वी को दक्षिणी ध्रुव पे प्रकाश मिलता है, इसीलिए दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने के दिन 6 महीने के रात होते हैं। और जब पृथ्वी यहाँ है तो फिर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, दो स्थितियां हैं जिसमें उत्तरी ध्रुव पे आपको प्रकाश मिलेगा, दो स्थितियां हैं दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक। और ये स्थिति जो है यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा, ये जो हमारा इक्वेटर है इस पे सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ता है।
आप चाहे जहां से देखोगे उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, वो मतलब छूटता नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर हमेशा पड़ता है। तो पृथ्वी अपनी गति जब करती है, एक तो ये गति होती है इसकी, ठीक है, एक अर्थ रोटेशन होता है, अपने ही दूरी पर घूमती है पृथ्वी, अपने भी दूरी पर घूमती है। उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ऋतुएं बदलती हैं। जो पृथ्वी झुकी हुई है उसके कारण, और जो पृथ्वी ये जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है इसके कारण ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उष्णकटिबंध वगैरह क्या है उसको थोड़ा सा आप समझते चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ जाए और हमें उष्णकटिबंध शीतकटिबंध शीतोष्णकटिबंध ना पता चले। इतना तो मतलब हल्का फुल्का आ जाना चाहिए आपको कि ये वाला एरिया आपका उष्णकटिबंध है, इसके जस्ट बगल वाले आप भले ही एकदम एक्यूरेट पॉइंट ना याद रखो कि जो है इतने अच्छा से इतने अच्छा तक, लेकिन आपको ये आइडिया हमेशा लगना चाहिए कि इक्वेटर के दोनों तरफ एकदम समीप में उष्णकटिबंध, उसके बाद जैसे आएगा क्या उपोष्णकटिबंध टेम्परेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, ये बीच वाला भाग, ये आपका ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल है, ये आपका टेम्परेट है, ये उपोष्णकटिबंध, ये उष्णकटिबंध, ये आपका है शीतकटिबंध। क्या सूची बना ली पीठ में, ये पूरा ही आ जाता है आपका। तो ये आपका है दीप, जो ध्रुव के एकदम किनारे होगा ये भाग, ये आप, ये तो शीत में आएगा, और इसके जस्ट बगल में थोड़ा सा हम उसको फिर डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं शीतोष्ण। तो ठीक है, इतना हल्की फुल्की मोटी मोटी नॉलेज रहनी चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी अगर जहां जरूरत लगती है थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, अच्छा सा बना करके और लाइन खींच खींच के वहां पे अक्षांश लिख देंगे कि उत्तरी अक्षांश में इतने से इतने, दक्षिणी अक्षांश में लिख देंगे। ठीक है, और अलग अलग उसका जो वो इंडिकेशन है अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग बना के खूब सुंदर सा बना के रख लीजिए, उसे दिमाग में वो बैठ जाएगा एक बार फिर। तो इतना आपको आना चाहिए। अब जब हम आपको घास के मैदान हो गया, शीत और शीतोष्ण उसमें भी आया था उपोष्ण, और अब इसमें हम आपको मरुस्थल में बताएंगे। जब बार बार ये नाम आएंगे, जब तक फिजिकल ज्योग्राफी चलेगी तब तक ये नाम आएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी थोड़ा नाम आएगा, तो ये बार बार नाम आएंगे तो आप परेशान होंगे कि आखिर है कहाँ है कहाँ। तो पूरी पृथ्वी के संदर्भ में हम कटिबंध को देखते हैं, कहीं एक जगह नहीं, लेकिन इंडिया ऐसा देश है जहां पर आपको पूरे कटिबंध दिखेंगे, पूरे मिलते हैं। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पूरे पूरे कटिबंध मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा अफ्रीका में भी मिलता है, लेकिन अफ्रीका में कोल्ड वाला नहीं मिल पाता है, ये शीत वाला, ठीक है, शीत वाला नहीं मिल पाता है अफ्रीका में, लेकिन साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा टुंड्रा मिलता है। अच्छा, एक तो शीत कटिबंध में आपको टुंड्रा मिल जाएगा, टाइगा मिल जाएगा, आप लोग जो फॉरेस्ट पढ़े होंगे उसमें टुंड्रा और टाइगा पढ़े होंगे। तो टाइगा क्या होता है, टुंड्रा क्या होता है, जो एकदम ध्रुव पर होता है, ध्रुव के एकदम नजदीक वो तो आपका टुंड्रा होता है, उससे जो थोड़ा सा नीचे होगा उसमें टाइगा होता है। ठीक है, इतना एक्यूरेसी होनी चाहिए आप में, टुंड्रा और टाइगा में अंतर। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि
टुंड्रा क्या होता है, टाइगर क्या होता है, तो हम कंफ्यूज, ये नाम सुन के अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या टुंड्रा टाइगर है। तो ये आप जानते रहिए कि टुंड्रा जो है, अभी अभी मैंने उसमें बताया जब आपको ग्रासलैंड बता रहे थे, तो जो अलास्का वाला रीजन है, अलास्का वाले रीजन में एक नंबर मैंने रखा ग्रीनलैंड में, एक नंबर, क्योंकि वहां बर्फ जमी रहती है, तो वो टुंड्रा, जहां पे बर्फ जमी है वो टुंड्रा, और टाइगा थोड़ा सा बर्फ कभी पिघल जाती है कभी जो है रहती है वो टाइगा, ठीक है। तो अभी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अच्छा, इसमें आपको हम 3 पॉइंट लिखवाएंगे भी, ये सब कुछ
ये मुझे लग रहा नहीं मालूम था, आपको 15 डिग्री 9 से 30 डिग्री 9 तक मिलेगा। नॉर्थ और साउथ में भी यही है, सेम ही है। हाँ ये डॉट वाली लाइन जो मैंने खींची है ये 0 से 15 डिग्री है, इसको हमें छोड़ना है। और उसके बाद हमने 30 डिग्री की एक लाइन खींची है, ये 15 है, ये 30 है, और ये 0 डिग्री है। 0 से 15 हमारा खाली पड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देती हूँ। 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 से 15 उत्तर में और 0 से 15 दक्षिण में, ठीक है। तो ये जो है 0 से 15 तक खाली पड़ा है, उसके बाद 15 से लेकर के 30 तक, 15 से 30 तक हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का क्षेत्र है। ऊपर चलेंगे हम, ये 30 डिग्री है और ये 60 है, इसके बीच में ये आपका टेम्परेट है। तीस से 60 उत्तर, 30 से 60 दक्षिण में, ये आपका हिस्सा है। तटीय में जहां भी तट होंगे वहां पे मरुस्थल पाए जाएंगे।
आप चाहो तो एक में भी बना सकते हो ये, और चाहो तो अलग-अलग भी बना सकते हो। जैसे मैं बना रही हूँ उसी के नीचे जस्ट तो बनाना है आपको। ठीक है, इतना बना लीजिए। दो तीन पॉइंट है उसके नीचे, आप लिख लीजिए इसको। बोले हो गया सभी का? अच्छा, इसपे अगर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही पूछ लीजिए। सिंपल है, 15 से 30 तक ये पहला वाला आपका, दूसरा वाला 30 से 60 तक। आज तो आप 5:30 बजे तक रहेंगे ना, है ना? रहेंगे ना, एक दिन नाइट स्टडी हो, यही रात भर रहे हैं हम लोग, है ना भाई? आप भी रहिएगा। और सर से कहेंगे कि सर खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, आज हम लोग रात भर पढ़ेंगे। बहुत सारा, एक मैं सच बताऊं तो अगर आप एक दिन रात भर पढ़ के देखें, हाँ ये है कि 2 दिन फिर सोएंगे आप, लेकिन रात में जब आप पढ़ेंगे ना, आपका बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एक दिन रात में पढ़ी, पूरी रात मिलती, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ना कोई फोन आता है, ना कोई पूछने वाला, कुछ भी नहीं, लाइट भी रहती है। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, पूरा दिन भर लाइट नहीं है, तो अभी जाके लाइट भी बनवानी पड़ेगी, और हमारे मकान मालिक जो है वो गायब है, तो लाइट भी बनवानी पड़ेगी और स्कूटी भी बनवानी पड़ेगी, बहुत काम है आज। तो फिर जो है, अगर आप रात में पढ़ो ना, तो आपको कितना, आप सोच लो 7-8 बजे से खाना वाना खा लेते होंगे आप, 7-8 बजे से लेकर के आपको सुबह के 6 बजे तक मिलेंगे, कितना टाइम, कितना घंटे मिल गया, आप दिन में निकाल ही नहीं सकते। 10 बार तो फोन चेक करोगे, कहीं मम्मी आ गई, कहीं पापा आ गए, कहीं कुछ कुछ। घर में अगर रह रहे हो, अभी तो बाहर रह नहीं रहे होगे आप लोग, घर में ही रह रहे होगे, कुछ नहीं तो आसपास कुत्ते होंगे ना गली के, वही भौंकेंगे, दिमाग डिस्टर्ब करेंगे, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिन में होती रहती है। और रात में वैसे पढ़ सकते हो आप 1-2 बजे रात तक, जैसे हम लोग की आदत क्या थी कि हम लोग की स्टडी हमेशा 2-3 बजे रात तक होती थी, हम लोग 2-3 बजे तक रात तक जो है पढ़ते रहते थे, तो हमारी आदत ही नहीं बन पा रही थी, हम 3 बजे तक यहाँ भी जागते थे 2 बजे तक, लेकिन हम सुबह स्कूल, अब हम रोज रोज लेट स्कूल में, रोज रोज लेट, रोज डांट पड़ रही है स्कूल में, रोज मतलब जो सीनियर टीचर रहते हैं वो लोग डांटते हैं, फिर मैडम तो रोज लेट आती है, मैडम तो रोज लेट आती है, फिर लेट इतना ज्यादा होने लगा कि मतलब मैं खुद परेशान रहने लगी, मेरी जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो गई। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब कुछ नहीं करना, अब नहीं पढ़ना, पहले अब टाइम सुधारो। फिर टाइम मैंने सुधारा, अब 10 से 11 बजे के बीच में सो जाती हूँ, 11 बजे ही है मेरा। तो किसी दिन कभी कभार मन कर दिया तो ज्यादा हो जाता है कि मतलब पढ़ लिए या कुछ कहीं घूमने चले गए तब हो जाता है, बस नहीं तो 10-11 बजे तक सो जाती हूँ, और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो अब कोई नहीं बोलने वाला, अब मैं भी सीना चौड़ा करके चलती हूँ कि चलो मैं भी टाइम पे आती हूँ, तो ये बात है। तो लेकिन अभी तो आपके पास है टाइम, आप कर सकते हो, 2-4 महीने पढ़ लिए ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। तो इसमें नोट कर लीजिए कुछ, एक तो है पहला पॉइंट, ये मरुस्थल पृथ्वी के, स्थल भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है।
यह मरुस्थल पृथ्वी के बोर्ड पे लिखा दे क्या? चीज क्या चीज कोई बोले नहीं, ये तो मतलब डेजर्ट के बारे में लिखना है पूरा, जैसे आप पॉइंट लिख लो कि डेजर्ट के बारे में है कि मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क मतलब एरिड एरिड उसको एडिट बोलते हैं और फिर आएगा आलू को फिर से नहीं एडिट। शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है एरिड व सेमी एरिड भाग है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ये मुख्यतः उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण मतलब वही टेम्परेट हाई प्रेशर, टेम्परेट हाई प्रेशर उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब इंग्लिश वाले लिखेंगे टेम्परेट हाई प्रेशर क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब वर्षा की स्थिति क्या होती है? तीसरा पॉइंट है ऐसा क्षेत्र जहां, तीसरा पॉइंट है ऐसा क्षेत्र जहां, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण, औसत वार्षिक वर्षण एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, औसत वार्षिक वर्षण एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ओ एन है, बी आई ओ एन वहां का क्या भाग यहाँ पे ठीक है। औसत वार्षिक वर्षण एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है वह मरुस्थल की श्रेणी में आता है, वह मरुस्थल की श्रेणी में आता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये पॉइंट उसमें नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बारे में है। तो आप चाहे तो जहां जैसे आपने लिखा होगा ना, तीन लाइन बनाई होगी तो जो पहली पहली लाइन है उसके नीचे लिखते जाइए, नीचे नीचे तो इसमें लिख लीजिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मतलब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, प्राय प्राय का मतलब आप समझते हैं जनरली जो हम कहते हैं कि
अक्सर ऐसा होता है, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आप 5 बजे चले जाते हैं लेकिन रोज नहीं जाते, है ना। तो मतलब जो ज्यादातर चीजें दिखाई दे या सुनाई दे या होती हैं उसे हम प्राय कहते हैं, प्राय या इंग्लिश में जनरली। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भाग में पंद्रह से 30 डिग्री उत्तर या 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों या दक्षिणी अक्षांशों अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड्स, अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। एक दिन मैंने लिखा था कि लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को, एक दिन बताया था। या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी, ट्रेड विंड बेल्ट के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी, ट्रेड विंड बेल्ट में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। मतलब यह मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण, ठीक है, उत्तर या दक्षिण दोनों अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पट्टी जो है, अभी आपको बताएंगे व्यापारिक पवन पट्टी भी क्या होती है उसे बताएंगे। व्यापारिक पवन पट्टी में ट्रेड विंड बेल्ट होता है, में पाए जाते हैं। दूसरा दूसरा इसका लिखिए, अब मतलब सेकंड इसका पॉइंट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का सेकंड पॉइंट लिखिए। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के साथ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा को इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ 15 डिग्री उत्तर, 15 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर, 15 से 30 डिग्री उत्तर, 15 से 30 डिग्री उत्तर एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में, एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में भूमध्य इक्वेटर और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी वाले मकर रेखा, इंग्लिश वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ, भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 15 डिग्री उत्तर, सॉरी सॉरी 15 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। यही जो मैंने बनाया है यही सेम चीज आपको लिखना है, तो लिखने का भी तरीका हमें आना चाहिए। जैसे हमने फिगर बना दिया, ठीक है, लेकिन इसे हमें लिखना भी पड़ेगा सेंटेंस में। तो एक तो है कि कर्क रेखा से सारे उत्तर में 30 डिग्री, 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा होती है, लेकिन 30 डिग्री 23.5 के नियर अबाउट पड़ता है वहीं पे, तो वो उसके आसपास का रीजन, और दक्षिण में मकर रेखा पड़ती है। ये वाली तो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो
वाली, 23 वाली, लेकिन इसे याद रखिए ये 23.5 ही है, 23 डिग्री, ठीक है। और 23.5 ये दक्षिण साउथ वाली हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मतलब मकर रेखा, मकर और -23 डिग्री उत्तर पर कॉपी करते हैं सर। अब के सहारे ये आपका पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, इतना तो मैंने लिखा दिया। अब आपको हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के नाम लिखाएंगे, लिखाना शुरू करें, अभी रहेंगे ना आप लोग। अभी तो टाइम है। इतना उजाला रहता है, वैसे पहुंच जाएंगे, चिल्काना वाले भी पहुंच जाएंगे, है ना। अभी हाँ चिल्काना ही जा रहे हो आप? नहीं तो रामपुर मनियारा जाने में टाइम लगता है। कल करा दें, ठीक है, कल हो जाएगा पूरा ये। तो कल जो है आप मतलब इसे लिखने के लिए तैयार रहेंगे, इसमें काफी है, मतलब आप मतलब 20-25 होंगे, 20-25 होंगे, ठीक है। अच्छा